नमस्कार, मैं हूं प्राची मेहरा। स्वागत है आपका एमकेएन में। हाजिर हूं आपके सामने जन मुद्दा लेकर। जन मुद्दे में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कवर्धा में जर्जर स्कूल भवन के बारे में। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में सालों से स्कूल भवन जर्जर होने के कारण स्कूली बच्चों की क्लास पेड़ के नीचे लगती है। वहीं मामले में संबंधित विभाग से शिकायत किए जाने के बावजूद आज तक जर्जर स्कूल की मरम्मत नहीं हो पाई है। हम बात कर रहे हैं कवर्धा जिले के वीरेंद्र नगर गांव की, जो पहले कभी विधानसभा क्षेत्र भी हुआ करता था, जहां प्राथमिक शाला में लगभग 300 बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन वहां स्कूल भवन नहीं है। स्कूल भवन के अभाव में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़कर पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षक इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने से लेकर मास्क लगाने तक का ध्यान रखते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्कूल भवन खंडहर में तब्दील हुए 7 से 8 साल बीत चुके हैं, इसके बावजूद जनप्रतिनिधियों ने नए भवन निर्माण की पहल कभी नहीं की। अधिकारियों ने भी स्कूल और यहां बच्चों की सुध नहीं ली। इतना ही नहीं, यहां जर्जर भवन में मध्याह्न भोजन तैयार किया जाता है और यहीं बैठकर बच्चे खाना भी खाते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। बच्चों के पढ़ाई के लिए किस तरह व्यवस्था किया जा रहा है? बच्चों के पढ़ाई के लिए जो कोरोना नियम का पालन करते हुए सभी बच्चों को मास्क के लिए बोले हैं। इस संबंध में मैं क्षेत्रीय विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर को अवगत कराया हूं और इस जिले के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर को भी आवेदन दिया हूँ, आवेदन के माध्यम से अवगत कराया हूँ। और कल हमारे ज़िले में शिक्षा मंत्री का दौरा था, वहाँ भी मैं विधायक के पास गया था और उसके अनुशंसा करवा के दिया हूँ शिक्षा मंत्री को, और आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी यहाँ पर नया स्कूल भवन बनेगा। उसकी जानकारी है, हमें प्रस्ताव आया हुआ है संघ से और उसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए मांग पत्र कार्यालय को भेज दिया है। जैसे ही उस कार्यालय से उसकी स्वीकृति आ जाती है, ये काम हमें करा दिया। शिक्षा बच्चों के लिए काफी जरूरी है, लेकिन जो स्कूल भवन है, यहाँ पर स्कूल भवन के हालात काफी खराब है। लोग मजबूर है, जो बच्चे हैं वो मजबूर है पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने के लिए। वहीं अगर इस तरीके से हालात रहेंगे तो किस तरीके से जो बच्चे हैं वो पढ़ाई आखिरकार कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके की जो स्थिति बनी हुई है, जो स्कूल भवन है वो जर्जर है। तो इस दौरान ग्रामीण कई बार अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी हिचकिचाते हैं। उन लोगों का कहना है कि अगर इस दौरान बारिश का भी मौसम है और ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इस दौरान बच्चों का ख्याल आखिरकार कौन रखेगा। और छोटे बच्चों पर जब सवाल उठता है तो यहाँ पर कई काफ़ी गंभीर ये मामला हो जाता है और इस पर ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। वहीं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रहलाद साहू जुड़े हुए हैं कबीरधाम से। प्रहलाद जी, स्कूल की जो हालात है वो यहाँ पर काफी खराब है, लोग परेशान हैं। कबीरधाम में ये स्कूल प्राथमिक शाला है, क्या परेशानियां हैं जो बच्चों को वहां पर आती है और शिक्षकों का खास तौर पर वहां पर क्या कहना है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो प्राथमिक शाला है वो करीबन 10 सालों से जर्जर था, जो टूट चुका है। अभी क्लास जो है अतिरिक्त कक्षा में लगता है और वही जो मध्याह्न भोजन है, मध्याह्न भोजन बनाने के लिए वो भी टूट चुका है, आधा टूट चुका है, तो खाना भी बाहर में ही बनाते हैं। जी प्रहलाद जी, वहीं इसी दौरान बारिश का भी मौसम है तो इस दौरान पेड़ के नीचे पढ़ाई करना तो काफी मुश्किल हो जाता है, तो इस दौरान क्या परेशानियां आती है और अगर इस तरीके से कोई दिक्कत सामने आती है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो किस तरीके से वहां पर सब कुछ मैनेज किया जाता है? जी, वहाँ पर शिक्षकों द्वारा तो खैर सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग कर ही रहे हैं। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार का जो खरीदा हुआ धान स्कूल ग्राउंड में ही पड़ा हुआ है, जो बारिश के पानी के कारण पूरा सड़ गए हैं और वहाँ पर बदबू आने लगे हैं। तो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी वही हो रही है कि वहाँ बदबू बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और आस पास ही मध्याह्न भोजन के लिए वो लोग बैठते हैं, बच्चे लोग। तो वैसे भी कोरोना का माहौल चल ही रहा है तो बच्चों को बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है।
जी प्रहलाद जी, वहीं स्कूल बनाने को लेकर, यहाँ पर भवन निर्माण को लेकर क्या कभी पहल की गई है किसी के द्वारा? जो गांव में सरपंच वगैरह है, उन लोगों का क्या कहना है, क्यों अब तक भवन क्यों नहीं बनाया गया, स्कूल भवन या जो उसकी हालत है उसे क्यों नहीं सुधारा गया अब तक? जी, ग्रामीणों से मेरा बात हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 से 7 सालों से नए भवन निर्माण के लिए मांग करते आ रहे हैं, परंतु अभी तक भवन निर्माण नहीं हो पाया है, केवल आश्वासन ही मिल रहा है। और दूसरी बात ये बता दूं कि ये जो वीरेंद्र नगर है, ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है और पूर्व में विधानसभा क्षेत्र भी हुआ करता था, परंतु दुर्भाग्य इस गाँव की ये सब होने के बावजूद भी प्राथमिक शाला जो है नहीं बन पाया है। प्रहलाद जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वहीं हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मनीष निर्मलकर ग्रामीण है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी मैम। मनीष जी, वीरेंद्र नगर में प्राथमिक शाला जो है, अब भवन जर्जर हो चुका है और अब टूट भी चुका है वो भवन, और बच्चे परेशान हैं, पेड़ के नीचे वहां पर पढ़ाई हो रही है, तो इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। क्या परेशानी इस दौरान आ रही है, क्योंकि बारिश का भी मौसम है, कई तरीके की समस्या यहाँ पर आ रही होगी ग्रामीणों के साथ ही जो बच्चे खासतौर पर जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैम, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ भवन पढ़ाई करने के लिए नहीं है, शिक्षक लोग अतिरिक्त कक्षा में ना जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पेड़ के नीचे व सांस्कृतिक मंच पर पढ़ाई कर रहे हैं। जी मनीष जी, इसके साथ ही क्या समस्याएं आती है बच्चों को इस दौरान, क्योंकि बारिश का मौसम है और इस दौरान अगर ऐसे खुले में? जी मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ सरकार का जो धान खरीदे हुआ है वो जो है मैदान में पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, जो कि सड़ चुका है, और आप जानते हैं कि यहाँ ना कोरोना का जो माहौल बना हुआ है वो टला नहीं है, तो कहीं न कहीं बच्चों को ना जान का खतरा है, कोरोना होने का डर है। मनीष जी, अधिकारियों से या जो गांव में सरपंच है उनसे भवन निर्माण को लेकर मांग की गई है क्या, किस तरीके से, वो कब तक कहते हैं कि भवन निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, किस तरीके से, कोई आश्वासन आपको मिला है शिकायत के बाद? ऐसा कुछ नहीं है, सब आवेदन बस कर रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी व नेता लोग यहाँ मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिए। जी, जब आप अपनी शिकायत या अपनी मांग लेकर जब अधिकारियों के पास या जिम्मेदारों के पास गए हैं, तो क्या जवाब उनके द्वारा आपको मिला है, क्या कहा जाता है उनके द्वारा? बस देख रहे हैं करके बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। लगभग 7 साल के आसपास हो गया है इसको जर्जर हुए, और कुछ दिन हो गया है वो टूट भी गया है, लगभग 6 महीने साल भर के आसपास हो रहा है। जी मनीष जी, आखिरकार जानना चाहेंगे, क्योंकि इतना लंबा समय बीत चुका है, 7 से 8 साल करीब बीत चुके हैं, क्यों अब तक इस जर्जर भवन पर ध्यान नहीं गया है जिम्मेदारों का, और आखिरकार क्यों भवन निर्माण हो नहीं पा रहा है? अब इसका जवाब तो अधिकारी और जो हमारे जो अभी बने हैं विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग ही बता पाएंगे, जो जन अधिकारी हैं। जी मनीष जी, वहीं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश का जब मौसम है और पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और खुले में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, तो अब बारिश का मौसम है, जो समस्याएं हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि छत नहीं होती है सर पर, तो बच्चे इस दौरान भीग भी जाते होंगे, क्या परेशानियां इसके साथ ही वहां पर बच्चों को देखने को मिल रही है? जी परेशानी तो एक चीज का और है, वो तो भीगेंगे ही, लेकिन ना यहाँ धान का जमाव हुआ है और वो सड़ चुका है पूरा, तो इसके कारण बदबू के कारण बैठने, और एक बात और बताना चाहूंगा कि मध्यान्ह भोजन जो है, जो भवन है जी, वो भी पूरा जर्जर हो चुका है, छत मतलब कहीं न कहीं टूटने के कागार पर है, तो वहाँ भी मतलब बहुत ज्यादा परेशानी है, है ना? जी मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वहीं हमारे साथ रोमन साहू सरपंच जुड़े हुए हैं। रोमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी मैडम। रोमन जी, बच्चे परेशान हैं, पेड़ के नीचे यहाँ पर स्कूल भवन का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण पेड़ के नीचे बच्चों के स्कूल यहाँ पर लग रहा है और वहां पर पढ़ाई कराई जा रही है, क्यों इस तरीके की स्थिति है, जो तमाम सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रही है? रोमन जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझसे बोल रही मैडम। जी रोमन जी, पुराना हो चुका था स्कूल जी,
और अभी इसी वर्ष डिसमेंटल कराए हैं, उसको बनवाने के लिए आवेदन आवेदन किए हैं, लेकिन अभी तक तो बना नहीं है। आवेदन किए हैं प्राथमिक शाला के लिए। जी जी मैडम। रोमन जी, केवल आवेदन किया गया है, कब तक आखिरकार ये स्कूल बन पाएगा? क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका है, 7 से 8 साल करीब जो बच्चे हैं वो परेशान हैं, यानी कि जर्जर तो काफी लंबे समय से भवन था, आखिरकार भवन गिर गया है, उसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है और अब आवेदन दिया जा रहा है ताकि अब स्कूल का जो भवन है वो बनेगा, आखिरकार कब तक जो बच्चे हैं वो इसी तरीके से परेशान होंगे? नहीं मैडम, पहले खड़ा था, जर्जर हो चुका था जी, उसको अभी मैं सरपंच बनने के बाद ट्रीटमेंटल कराया हूँ और तत्काल उसके लिए आवेदन किया हूँ मैं अभी। रोमन जी, अगर भवन जर्जर था तो आखिरकार क्यों उसकी मरम्मत सही वक्त पर क्यों नहीं हुई? क्योंकि जर्जर भवन में भी अगर विद्यार्थी जो हैं वो अगर पढ़ाई करेंगे तो अगर किसी तरीके का अगर इस दौरान हादसा होता तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होता? क्योंकि भवन तो पहले से यहाँ पर जर्जर हुआ हुआ है और वैसे ही भवन में पढ़ाई कराई जा रही थी और अब टूट चुका है पूरी तरीके से भवन, तब सब लोग जागे हैं। बाहर में बिठाया जाता था मैडम, तो बाहर क्यों बिठाया जाता था? भवन की मरम्मत आखिरकार क्यों नहीं कराई जब भवन जर्जर था? ज्यादा जर्जर था मैडम। सवाल वही है रोमन जी कि हाँ, वक्त रहते भवन की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई आखिरकार? अब उस समय में नहीं था मैडम, अब पूरा डिसमेंटल के योग्य था जब मैं आया तो। जी ऐसे ही जब कोई भी जिम्मेदारी आती है तो किसी के ऊपर भी टाल दिया जाता है, वही चीजें यहाँ पर भी सामने आ रही है। लेकिन गांव में एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते क्यों इसे लेकर ये जो स्थिति बनी हुई थी इसे लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई गई? क्यों जो बच्चे थे वो मजबूर थे इस तरीके से जर्जर भवन में पढ़ने के लिए? एक तरीके से उनके बचपन से यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि अगर कोई बड़ा हादसा होता तो यहाँ पर नुकसान बच्चों का होता, वो उन लोगों को यहाँ पर काफी परेशानियां होती। जी मैडम, तो क्यों आवाज नहीं उठाई गई रोमन जी? तो अब तो उठा रहे हैं ना मैडम, जब से हम काम कर रहे तब से। यानी कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, जब तक कोई बड़ी मुश्किल नहीं आ जाएगी, उसके पहले नहीं जागेगा कोई भी, सोया रहेगा प्रशासन और हर कोई। डिसमेंटल कराए थे मैडम जी, जैसे ही सरपंच बने उसके हालत को देखे तो डिसमेंटल कराए थे, आवेदन दिए हैं और मीटिंग में एक बार और बात को पूछा तो फिर अकबर मोहम्मद जी को और बताए थे बात को। जी जी मैडम, तो कब तक क्या लगता है आपको, क्या आश्वासन मिला है कब तक ये जो भवन निर्माण है वो हो पाएगा और बच्चे फिर से उन्हें उसका उनका स्कूल मिल पाएगा? बहुत जल्दी ये बन जी करके बोले हैं मैडम अकबर मोहम्मद जी है, एक बार बात हो या बात करूं उखर से। जी हाँ मैडम जी, ठीक है रोमन जी। आता है वो आता के लिए भी बोले हैं आवेदन करे, हाँ कहीं कहीं टूट फूट गए उखर लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वहीं हम आपको बता दें कि भवन जर्जर है था और अब पूरी तरीके से टूट चुका है, और जब अब भवन टूट चुका है तब जो जिम्मेदार हैं वो जागे हैं और भवन निर्माण की यहाँ पर बात कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द, केवल आश्वासन ही अभी भी मिल रहा है कि भवन निर्माण कराया जाएगा और नया भवन स्कूल जो है स्कूल भवन वो बच्चों को दिया जाएगा, विद्यार्थियों को मिल पाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी भी केवल आश्वासन मिल रहे हैं, पूरी तरीके से जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी उदासीनता यहाँ देखी जा रही है, क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका है, 7 से 8 साल बीत चुके हैं और वही जर्जर भवन में ही जो बच्चे थे वो पढ़ाई करने के लिए मजबूर थे। वहीं अगर इस दौरान किसी तरीके का हादसा होता तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेता? क्योंकि जो प्रशासन है वो जब भवन पूरी तरीके से टूट चुका है उसके बाद अब जागा है और अब कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो स्कूल भवन है वो उसका निर्माण किया जाएगा और बच्चों को स्कूल मिलेगा, जो विद्यार्थी हैं वो एक भवन में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि हर वक्त जो जिम्मेदार होते हैं उनकी उदासीनता क्यों देखी जाती है? काफी लंबा समय था, जर्जर भवन था, 7 से 8 साल बीत चुके थे, लेकिन अब तक प्रशासन आखिरकार क्यों नहीं जागा? वहीं एक तरफ हम देखें तो ग्रामीणों का भी यही कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि लगातार शिकायतें की जाती है लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस तरफ कोई कदम नहीं उठाते हैं। वहीं जो बच्चे हैं वो भी परेशान हैं और विद्यार्थी आखिरकार बारिश के मौसम में भी पेड़ के नीचे पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। कवर्धा जिले की हम बात कर रहे हैं,
वीरेंद्र नगर गांव का ये मामला है जहां पर आज हम बात कर रहे हैं। प्राथमिक शाला है और करीब 300 बच्चे जो हैं वो यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, शिक्षा लेने आते हैं, लेकिन जो हालात है वो काफी खराब है। देखिए क्या कुछ कहते हैं लोग इस स्थिति को लेकर। बच्चों के पढ़ाई के लिए किस तरह व्यवस्था किया जा रहा है? बच्चों के पढ़ाई के लिए जो कोरोना नियम का पालन करते हुए सभी बच्चों को मास्क के लिए बोले हैं। इस संबंध में मैं क्षेत्रीय विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर को अवगत कराया हूं और इस जिले के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर को भी आवेदन दिया हूं, आवेदन के माध्यम से अवगत कराया हूं। और कल हमारे जिले में शिक्षा मंत्री का दौरा था, वहाँ भी मैं विधायक के पास गया था और उसके अनुशंसा करवा के दिया हूँ शिक्षा मंत्री को, और आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी यहाँ पर नया स्कूल भवन बनेगा। उसकी जानकारी है, हमें प्रस्ताव आया हुआ है संघों से और उसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए मांग पत्र जो है हमने उस कार्यालय को भेज दिया है। जैसे ही उस कार्यालय से उसकी स्वीकृति आ जाती है ये काम हमने करा दिया है। कवर्धा जिले की हम बात कर रहे हैं। वीरेंद्र नगर में प्राथमिक शाला है जिसका जो भवन है स्कूल भवन यहाँ पर पूरी तरीके से टूट चुका है। जो बच्चे हैं परेशान हैं और पेड़ के नीचे आखिरकार पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो विद्यार्थी आते हैं उनकी संख्या 30-50 कोई संख्या नहीं है, 300 से करीब जो विद्यार्थी है वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। लेकिन जो तमाम असुविधाएं यहां पर देखने को मिल रही है कि खास तौर पर यहां स्कूल भवन ही नहीं है, यानी कि अब तक तो बच्चे जर्जर भवन में पढ़ाई कर रहे थे और वो भी अब टूट चुका है। वहीं प्रशासन को देखा जाए तो प्रशासन का उदासीन रवैया यहां पर खास तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जब भवन जर्जर था तब तक भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो वहां सरपंच है उनकी भी उदासीनता यहां देखी जा रही है और तरह तरह के केवल बहाने यहां पर बनाते हुए सरपंच भी हमें दिखे हैं, क्योंकि अगर पहले से भवन जर्जर था तो सवाल यही उठता है कि मरम्मत आखिरकार क्यों नहीं कराई गई और जर्जर भवन के टूटने का आखिरकार इंतजार किया जा रहा था, और अगर इस दौरान कोई बड़ा हादसा हो जाता और कोई नुकसान यहां पर देखने को मिलता तो किस तरीके से यहां पर बड़ी मुश्किल यहां पर देखने को मिलती और जो स्थिति होती वो काफी गंभीर तब भी बनी होती। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि स्कूल भवन नहीं है, यहां पर जर्जर हो चुका था और अब टूट चुका है। इसके बावजूद यहां पर मध्यान्ह भोजन जो है उसका भी यहां पर आयोजन किया जाता है और जो बच्चे हैं गिरते बारिश में पेड़ों के नीचे यहां पर शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं और मध्यान्ह भोजन भी बाहर ही होता है। वहीं हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं, उनसे जानेंगे कि और क्या खास यहाँ पर परेशानियां हैं और किस तरीके का रवैया प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा देखा जा रहा है। प्रहलाद जी, बच्चे तो परेशान यहाँ पर हो ही रहे हैं, इसके साथ ही जो सरपंच है और जो जिम्मेदार लोग हैं अधिकारी हैं उनका भी यहाँ पर उदासीनता उनकी यहाँ देखी जा रही है इस स्कूल निर्माण को लेकर। वहीं अब बात की जा रही है कि स्कूल भवन का निर्माण आगे किया जाएगा, क्या आपको लगता है कब तक जो स्कूल भवन है वो बच्चों को वहां पर मिल पाएगा? जी मुझे ये नहीं लगता मैडम कि इतना जल्दी स्कूल भवन का निर्माण हो पाएगा, क्योंकि सारे अधिकारी जो है अपना हाथ खींचते नजर आ रहे हैं। अब ये अभी का नहीं है, पिछले 7-8 साल हो गए हैं स्कूल को खंडर हुआ, ज्यादा जर्जर होने के बाद कारण उसको तोड़ भी दिए गए हैं, लेकिन अभी पढ़ाई में बच्चों को तकलीफ हो रही है क्योंकि वहां पर न तो भवन है, 3 कक्षा में स्कूल लगाया जा रहा है और वही जो है मध्यान्ह भोजन का भी हालत गंभीर स्थिति में है। जी प्रहलाद जी, वही आपको बता दें कि अधिकारी जो है, अधिकारियों से भी हमारे यहाँ पे सरपंच से बात हुई थी, उनके द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि वो अब आए हैं और जल्द से जल्द स्कूल का निर्माण यहाँ पर कराया जाएगा, यानी कि उदासीनता पूरी तरीके से यहाँ देखी जा रही है। वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि जो ग्रामीण वहां पर है वो कितने जागरूक है इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि स्कूल जो है, शिक्षा है वो काफी जरूरी है, और कितने जागरूक है अपने अधिकारों को लेकर, क्या किस तरीके से वहां पर शिकायतें उन्होंने की है और इस मामले को किस तरीके से ग्रामीणों द्वारा उठाया गया? जी ग्रामीण जो है लगातार भवन को लेकर मांग करते आ रहे हैं, कुछ रोज पहले और विधायक जी से शायद मांग किए हैं, उन लोगों से मेरा चर्चा हुआ है और लगातार कंटिन्यू मांग ही कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है लेकिन भवन अभी तक के नहीं बन पा रहा है, उसको मंजूरी नहीं मिल पा रहा है।
जी वहीं इसके साथ ही प्रहलाद जी आपसे जानना चाहेंगे कि परेशानियां तो यहां पर झेल रहे हैं जो बच्चे हैं वो परेशान हैं, अभिभावक भी जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि संक्रमण का दौर है, साथ ही बारिश का अब मौसम शुरू हो गया है और वो अपने बच्चों को विद्यार्थियों को ऐसे स्कूल में भेज रहे हैं जहां पर कोई भवन ही नहीं है। तो किस तरीके से इसे देखा जा रहा है क्योंकि पेड़ के नीचे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने के लिए मजबूर है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी यहाँ भेजना पालक की मजबूरी है मैडम, क्योंकि आगे पीछे और कोई स्कूल नहीं है और ये ब्लॉक का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है, आसपास के लोग भी यहीं आते हैं पढ़ाई करने के लिए जी, और यहाँ आए नहीं तो फिर कहाँ जाएं, हालत इस तरह से है। जी प्रहलाद जी, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि जर्जर भवन में ही यहाँ पर मध्याह्न भोजन भी बनाया जाता है, वहीं जो शिक्षक है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जागरूक देखे जा रहे हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए तमाम जो गाइडलाइन है कोरोना की उसका पालन करने की बात यहाँ पर शिक्षकों द्वारा कही जा रही है। और इसके साथ ही क्या शिक्षकों द्वारा कभी ये मामला उठाया गया है, उन्होंने आगे इस जो जिम्मेदार हैं उन तक ये बात पहुंचाई है कि भवन की आवश्यकता कितनी ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि मध्याह्न भोजन भी होता है और जब इस तरीके के आयोजन होते हैं और बच्चे वहां पर किस तरीके से बाहर बैठकर खाना खाते होंगे, जो स्थिति है वो काफी खराब यहाँ पर दिखती होगी, तो शिक्षकों की क्या भूमिका यहाँ पर देखी गई है? जी शिक्षक द्वारा अपने तरफ से ये सारे कदम उठा रहे हैं, मेरा बात जो है प्राथमिक शाला के प्राचार्य बघेल जी से हुआ, उसने भी बोला कि भवन को लेकर मध्याह्न भोजन को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं पर आश्वासन ही मिला है। वहीं मध्याह्न भोजन जो बनाने वाले हैं रसोईया हैं उनसे भी मेरा बात हुआ, उन्होंने ये बोला कि बड़े तकलीफों के साथ बच्चों के लिए भोजन बना रहे हैं, अगर किसी दिन अगर पानी गिर जाता है तो सारा पानी जो है उस रूम में भर जाता है और प्लास्टर जो है टूटने के कगार पर है, तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जी प्रहलाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें कि स्कूल की जो हालत है वो यहाँ पर काफी गंभीर बनी हुई है, भवन नहीं है और ऐसे में बच्चे खुले में पढ़ाई करने के लिए मजबूर है, लोग पेड़ जो बच्चे हैं वो पेड़ के नीचे बैठकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और वहीं संक्रमण के दौर में बारिश के मौसम में ये जो समस्याएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं जब जिम्मेदारों की बात करें तो जिम्मेदार सरपंच इसके साथ ही जो अधिकारी हैं प्रशासनिक अधिकारी है उनकी उदासीनता यहाँ पर देखी गई है, किसी भी तरीके से स्कूल भवन के निर्माण को लेकर यहाँ पे कोई भी गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है, केवल मिल रहा है तो आश्वासन। अब देखना होगा कि जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल के लिए भवन कब तक उपलब्ध हो पाता है। फिलहाल के लिए जनमुद्दे में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।